गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बेडियन और स्कूल। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे जो अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स हैं उनको हम उनके कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है, यानी कि मिश्रण के मूल तत्वों में हम उसको कैसे विभाजित करते हैं, ठीक है। आज हम उसे आगे रीड करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो है हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर, ठीक है, कि हवा से हम जो अलग अलग गैसेज हैं हमारी वो कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, क्योंकि हवा के अंदर क्या है, काफ़ी गैसों का होमोजीनियस मिक्सचर है हवा, एयर, ठीक है, उसके अंदर नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑर्गन, ठीक है, बहुत सारी गैसेज बहुतायत में उपस्थित हैं। तो हम उसमें से यानी कि हवा में से एक स्पेसिफिक टाइप की गैस को कैसे अलग कर सकते हैं, यहाँ पर ये डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। रीड करते हैं लेसन। एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कि जो हवा है, मैंने बताया आपको, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, और ये इसके कंपोनेंट्स में, इसके तत्वों में कौन सी प्रोसेस, कौन सी विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, हम इसको तोड़ सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रक्रिया के द्वारा, जो हमने पिछली क्लास में आपको डिस्क्राइब की थी। आगे द फ्लो डायग्राम शोज स्टेप ऑफ द प्रोसेस, कि जो फ्लो डायग्राम नीचे शो कर रखा है, ये उसके स्टेप होंगे, कदम होंगे प्रक्रिया के, क्या हुआ। सबसे पहले देखो, हवा कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम हवा को लेंगे, ठीक है, उसको पहले कंप्रेस करेंगे, ठीक है, फिर उसको हम ठंडा करेंगे। कैसे करेंगे कंप्रेस करेंगे हम उसका प्रेशर बढ़ा करके, इंक्रीज करके, और कूल करेंगे हम उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करके, ठीक है। आगे है लिक्विड एयर, इस स्टेप के बाद जो हवा है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जब प्रेशर किसी चीज़ का या फिर किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, गैस के ऊपर, वो लिक्विड में टर्न हो जाती है, ठीक है। आगे है अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, कि अब इस लिक्विड एयर को धीरे धीरे हम क्या करने देंगे, गर्म होने देंगे, कहाँ पर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, गैसेज गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स, कि अलग अलग हाइट पर जो गैसेज हैं वो इकट्ठा होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। देखो, जितनी भी गैसेज हैं एयर के अंदर, सभी के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट हैं, ठीक है, और उनकी जो परसेंटेज है एयर के अंदर, हवा के अंदर, वो भी अलग अलग आपको पता है सभी को, ठीक है। देखो, जो ऑक्सीजन, उसका बॉइलिंग पॉइंट -183, ये आर्गन -186, नाइट्रोजन -196, और जो इनकी परसेंटेज यहाँ पर देखो 20.9 है परसेंटेज ऑक्सीजन की, ठीक है, अप्रोक्स 21% कह सकते हैं हम, और आर्गन की 0.9 और 78.1% है नाइट्रोजन की, ठीक है। आगे है If we want oxygen gas from air, we have to separate out all the other gases present in the air. कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट कर लिया कि चलो हम ऑक्सीजन को निकालना चाहते हैं हवा में से, ठीक है, क्योंकि हवा के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं, उनमें से एक स्पेसिफिक जो आपकी गैस है ऑक्सीजन, उसको हमें सेपरेट करना है अदर गैसेज से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, द एयर इज कंप्रेस्ड बाई इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड इज देन कूल्ड बाई डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट ए लिक्विड एयर। कि जो फ्लो डायग्राम में पहला स्टेप बताया था, सबसे पहले तो हम उसी को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हवा को क्या करेंगे, हम लेंगे, ठीक है, फिर उसको कंप्रेस करेंगे, उसका प्रेशर है वो इंक्रीज करेंगे, फिर उसको हम टेम्परेचर कम करके उसको ठंडा कर लेंगे, फिर वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी, टर्न हो जाएगी। दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, वही फिर कि जो लिक्विड एयर है यानी कि तरल जो हवा है वो उसको हम धीरे धीरे गर्म होने देंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर, वेयर गैसेज गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट, क्योंकि क्या है कि हर एक गैस अलग अलग हाइट पे जाके क्या होती है, जाकर रुक जाती है, क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वो कितनी हल्की है वो गैस, ठीक है, कि वो गैस कितनी हल्की, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। आगे है आंसर द फॉलोइंग, इस एक्टिविटी से जो हमें जो क्वेश्चन हमारे सामने आए, अब हमें उनका आंसर देना है। देखो, अरेंज द गैसेज प्रेजेंट इन एयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जितनी भी गैसेज थी
हवा के अंदर उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में, ठीक है, उनके बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम में सबसे पहले हम लिखेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है, फिर उससे थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा सा कम, सॉरी नहीं ज़्यादा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, सबसे पहले कम वाला, फिर ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। विच गैस फॉर्म द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर इज कूल्ड, कि कौन सी गैस जब सबसे पहले हम क्या करते हैं उसको लिक्विड में टर्न करते हैं, ठीक है, हवा को लिक्विड में टर्न करते हैं, ठीक है, क्योंकि हवा के अंदर तो बहुत सारी गैसेज है ना, तो कौन सी गैस, ठीक है, हवा में से सबसे पहले लिक्विड बनती है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसे गूगल कर सकते हैं, ठीक है, और पता चलने पर आप हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये आपको बता ही देंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क एक छोटा सा, देखते हैं कौन कौन इंटरेस्ट ले रहा है। आगे देखो, ये एक जो पूरा कंपोनेंट है, ठीक है, सॉरी पूरा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये दिखा रखा है कि कैसे कैसे वो प्रोसेस, ये प्रक्रिया होती है जब हम हवा से गैसेस को अलग करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फिल्टर है, ठीक है, हवा फिल्टर होके अंदर जाएगी, जैसी ही हवा अंदर जाएगी यहाँ, ठीक है, इस कंपार्टमेंट में, ठीक है, इसके साथ, ठीक है, ये कंप्रेसर है, ठीक है, इसके साथ हम क्या करेंगे, हवा को प्रेशराइज कर देंगे, ठीक है, यानी कि उसका जो प्रेशर है वो हम बढ़ा देंगे, ठीक है, फिर ये गर्म होते हुए आगे जाएगी, ठीक है, इस नेक्स्ट कंपार्टमेंट में, ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगी, फिर ये देखो ये ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स के अंदर से क्या जा रहा है, ठंडा पानी जा रहा है, देखो ये लिख रखा है फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन एंड वाटर आउट, ठीक है। अब इसके अंदर से हम जो बिल्कुल ठंडा पानी निकालेंगे, जैसे ही हवा इसके कॉन्टैक्ट में आएगी, ठीक है, इन पाइप्स के कॉन्टैक्ट में आएगी, क्या होगा कि ये तरल में बदलना शुरू कर देगी, ठीक है, किस में बदलना शुरू कर देगी, तरल में बदलना शुरू कर देगी, और देखो यहाँ पर ये इकट्ठा हो रहा है तरल पानी, ठीक है। इसके बाद जो कोल्ड कंप्रेस्ड एयर है, यानी कि ठंडी जो कंप्रेस्ड एयर है, कंप्रेस्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने इसको कंप्रेस कर दिया, इसका प्रेशर वो बढ़ा दिया, ठीक है, फिर वो इसके थ्रू, इस पाइप के थ्रू आगे जो नेक्स्ट कंपार्टमेंट है उसमें चली जाएगी, जिसको हम सेपरेटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल जाएगी एक ड्राई आइस के रूप में, ठीक है, शुष्क, क्योंकि ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, ठीक है, सूखी बर्फ बोलते हैं, ठीक है, अगर हम इसको बिल्कुल ठोस बना देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, सूखी बर्फ जैसी हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, और जो बची हुई गैसेज हैं वो आगे इस पाइप के थ्रू चली जाएंगी। आगे देखो, लिक्विड एयर अब एक्सपेंशन जेट, ठीक है, यहाँ पर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे हवा को, ठीक है, फिर क्या होगा, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है, एक्सपेंड करते ही जैसे ही हम इसको धीरे धीरे वार्म करेंगे, ठीक है, ये अलग अलग हाइट पे क्या होगा, ये जमा होनी शुरू हो जाएंगी। देखो सबसे ऊपर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के नीचे आर्गन लेयर बना लेती है, ठीक है, तो यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगी, फिर आर्गन निकल जाएगी, तो नीचे बचेगा वो लिक्विड ऑक्सीजन बच जाएगा, और हम लिक्विड ऑक्सीजन को नेक्स्ट जो हमारा ये जार है इसके अंदर इकट्ठा कर लेंगे। जो मतलब ये जो बेसिक सा जो बेसिक सी प्रक्रिया है, ठीक है, लिक्विड ऑक्सीजन को प्राप्त करने की ये वो प्रक्रिया है, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे रीड करते हैं, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर सैंपल से मतलब क्या है कि ऐसा सैंपल जिसके अंदर जो कॉपर सल्फेट है वो प्योर नहीं हो, यानी कि कॉपर सल्फेट के साथ साथ कुछ और इम्प्योरिटीज भी उसके साथ मिली हुई हों, तो उन इम्प्योरिटीज के में से हम प्योर कॉपर सल्फेट को कैसे अलग करेंगे, यहाँ पर ये शो किया गया है। देखो एक्टिविटी 2.9 के अंदर आप देखोगे तो ये एक्टिविटी परफॉर्म करने को बोला है, तो उसका फर्स्ट स्टेप है वो रीड करते हैं, टेक सम अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए चाइना डिश। कि आप चाइना डिश यानी कि एक छोटी सी कांच की कटोरी के जैसा होता है चाइना डिश, ठीक है, उसके अंदर आप 5 ग्राम का ले लोगे इम्प्योर सैंपल ले लोगे कॉपर सल्फेट का, जिसके अंदर, ठीक है, इम्प्योरिटीज भी रहेंगी कॉपर सल्फेट के साथ साथ, ठीक है, अशुद्धियाँ। आगे है डिजोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, फिर आप इसको जो इम्प्योरिटी का जो सैंपल था, ठीक है, जिसके अंदर कॉपर सल्फेट रखा हुआ था, उसके अंदर आप थोड़ा सा पानी डाल दोगे, ठीक है, फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट, फिर आप क्या करोगे उन इम्प्योरिटीज को, ठीक है, फिल्टर कर लोगे, ठीक है। आगे है इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि क्या कर लोगे कि आप जो पानी है उसको इवेपोरेट कर लोगे, ठीक है, पानी को आप इवेपोरेट कर दोगे, उसका वाष्पोर्जन कर दोगे, ठीक है, किसका कर दोगे, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था कि कॉपर सल्फेट के अंदर हमने पानी डाला था, ठीक है, तो क्या करेंगे हम उस पानी को
पानी का वाष्प वर्जन कर देंगे, किस लिए? सो एज टू गेट ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से मतलब यहाँ पर क्या है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जब कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलना बंद कर दे, ठीक है, एक ऐसी स्टेज आ जाती है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो हम सिर्फ उतना ही पानी इवेपोरेट करेंगे, ठीक है, जब हम ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो कंडीशन है, ठीक है, परिस्थिति है, उसको अटेन कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे। आगे है, कवर द सॉल्यूशन विद ए फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर ए डे। कि आप फिर जो सॉल्यूशन को क्या करोगे, फिल्टर पेपर से कवर कर दोगे और उसको अनसॉल्व कर दोगे एक ऐसे तापमान पर जो नॉर्मल होता है, ठीक है, यानी कि जो हमारे कमरे का तापमान होता है नॉर्मल, ठीक है, उस तापमान पर आप उसको ठंडा होने के लिए रख दोगे एक दिन के लिए बिना डिस्टर्ब किए हुए, बिना उसको छुए। आगे है, यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश। कि आपको चाइना डिश के अंदर क्या होगा, उसके क्रिस्टल्स, ठीक है, मिलने शुरू हो जाएंगे। किसके क्रिस्टल मिलने शुरू हो जाएंगे? कॉपर सल्फेट के। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। ये जो एक्टिविटी है, ठीक है, वर्बली क्या पता आपको समझ में ना आई हो, इसके लिए हम एक आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, आप उसे देखिए और इस एक्टिविटी को समझने की कोशिश कीजिए। चलो वीडियो प्ले करते हैं। आपने वो वीडियो देखी, ठीक है, आशा करते हैं जो आपको एक्टिविटी है वो समझ में आ गई होगी उस वीडियो के माध्यम से। अब जो क्वेश्चन अराइज होते हैं, ठीक है, कौन से क्वेश्चन अराइज होते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द चाइना डिश? की चाइना डिश के अंदर आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। डू द क्रिस्टल लुक लाइक, क्या जो क्रिस्टल्स थे वो एक जैसे दिखाई देते थे? हाउ विल यू सेपरेट द क्रिस्टल्स फ्रॉम द लिक्विड इन द चाइना डिश? कि आपने कैसे क्रिस्टल्स को अलग किया उसके लिक्विड से, ठीक है, चाइना डिश के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको इनके आंसर पता चल गए होंगे। आगे रीड करते हैं, द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्योरीफाई सॉलिड। कि जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है उसको उपयोग सिर्फ और सिर्फ जो सॉलिड से उनको प्योरीफाई यानी कि शुद्ध करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल, द साल्ट वी गेट फ्रॉम द सी कैन हैव मैनी इम्प्योरिटीज इन इट। कि जो साल्ट जो हमें समुद्र से मिलता है उसके अंदर भी काफ़ी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, ठीक है। टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड। कि इन इम्प्योरिटीज को, इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं, क्रिस्टलाइजेशन जो प्रक्रिया उसको अपनाते हैं हम, ठीक है। ये 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है एग्जामिनर, आप उसको याद रखना। आगे, क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट सेपरेट्स ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन। की जो क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, इसकी अगर आप डेफिनेशन दोगे तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो कि जो क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम किसी प्योर सॉलिड को यानी कि शुद्ध ठोस को सेपरेट करते हैं इसके किसे किसकी फॉर्म में, क्रिस्टल्स के फॉर्म में, ठीक है, इसके सॉल्यूशन से। यानी कि इस प्रक्रिया में हम इसके जो प्योर सॉलिड के क्रिस्टल्स को इसके सॉल्यूशन से अलग करते हैं, ठीक है, आप ये इसकी डेफिनेशन दे सकते हो। आगे, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक एज। कि अगर हम कहें कि जो क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है, तकनीक है, ठीक है, वो सिंपल इवेपोरेशन से बेटर है तो वो क्यों है, ठीक है, उसके कुछ रीजंस हैं। देखो आगे है, क्यों है, सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर मे गेट चैड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। कि क्या होता है कि कुछ सॉलिड्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं,
ठीक है, यानी कि टूट जाते हैं, फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ जो सॉलिड्स हैं जैसे शुगर है, ठीक है, ये क्या होती है, ये जल जाती है, ठीक है, जैसे हम गर्म करते हैं, ठीक है, जल जाती है टू ड्राइनेस, यानी कि इसके अंदर वो जो ड्राइनेस है वो ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। आगे देखो, सम इम्प्योरिटीज में रिमेन डिजोल्व इन द सोल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन, कि फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि कुछ इम्प्योरिटीज फिर भी रह जाती हैं, अगर हम किसी चीज़ को फिल्टर करते हैं किसी सोल्यूशन को, ठीक है, तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जो परसेंटेज है उन इम्प्योरिटीज की वो आ ही जाती है। ऑन इवेपोरेशन दीज कंटेमिनेट द सॉलिड, कि इवेपोरेशन के बाद ये जो अशुद्धियाँ हैं वो सॉलिड को कंटेमिनेट कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं, ठीक है, इनका प्रभाव अलग से इनके ऊपर, यानी कि बुरा प्रभाव पड़ता है, बुरा असर पड़ता है, ठीक है, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। आगे है एप्लीकेशंस, कि जो एप्लीकेशंस हैं कि कहाँ कहाँ पर हम इनको अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो कौन सी हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ साल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, ठीक है, ये जो पहली एप्लीकेशन है इसकी वो क्या है, यानी नमक को शुद्ध करते हैं हम, ठीक है, इस प्रक्रिया के द्वारा जो हमें किससे प्राप्त होता है, समुद्र से प्राप्त होता है। आगे है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम, ठीक है, जिसको हम स्थानीय भाषा में अंदर बोलते हैं फिटकरी, ठीक है, फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स, कि जो एलम है, ठीक है, यानी कि फिटकरी के जो क्रिस्टल्स हैं हम उसको अलग करते हैं किससे, जो उसके इम्प्योर सैंपल, यानी कि जो अशुद्ध सैंपल हैं, ठीक है, उनसे हम फिटकरी को अलग करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा। दस बाई चूजिंग वन ऑफ द अबव मैथड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर वी गेट ए प्योर सब्सटेंस, यानी कि जो ऊपर दिए गए जो मेथड्स हैं, तरीके हैं, उनमें से एक तरीका हम चुन के, ठीक है, जो मिक्सचर का जो नेचर है या फिर जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स तत्वों का जो नेचर है, ठीक है, उसके हिसाब से हम एक प्योर सब्सटेंस प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक शुद्ध जो पदार्थ है वो हमें प्राप्त कर सकते हैं। विद एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी मैनी मोर मेथड्स ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स हैव बीन डिवाइड, यानी कि जैसे जैसे जो तकनीक का जो विस्तार हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर एडवांसमेंट आ रही है, ठीक है, तो नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं, ठीक है, किसी भी मिश्रण को उसके बेसिक कंपोनेंट्स में तोड़ने के, ठीक है, नए नए तरीके इजाद हो रहे हैं। आगे है इन सिटीज ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स, कि शहरों में क्या होता है कि पीने का पानी है वो कहाँ से सप्लाई किया जाता है, वाटर वर्क्स से, ठीक है। ए फ्लो डायग्राम ऑफ इट टिपिकल वाटर वर्क्स इज शोन इन फिगर 2.13, कि एक जो फ्लो डायग्राम दिया गया है, ठीक है, तरह के वाटर वर्क्स का। फ्रॉम दिस फिगर राइट डाउन द प्रोसेसेस इन्वॉल्व टू गेट द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू योर होम फ्रॉम द वाटर वर्क्स एंड डिस्कस इट इन योर क्लास, किस फिगर के हिसाब से आप बताइए कि कौन सी जो प्रक्रियाएं हैं इन्वॉल्व की गई हैं, ठीक है, कहां से कहां तक जो जो वाटर जहां से सप्लाई होता है वहां से आपके घर तक पहुंचने के दौरान जो बीच में प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, ठीक है, वो कौन सी हैं वो आप अपने टीचर्स के साथ या क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कीजिए। देखो यहाँ पर एक फिगर दिखा रखा है, इस फिगर में देखिए सबसे पहले जो रिजर्वायर जहाँ से पानी हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये रिजर्वायर यानी कि नदियाँ वगैरह हो सकती हैं, ठीक है, नहरें या नदियाँ हो सकती हैं। फिर जो सबसे पहले कौन से टैंक में जाता है, सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब पानी सेडिमेंटेशन टैंक में आता है तो सबसे पहले जो सॉलिड्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं, ठीक है, जो रिजर्वायर से इन पानी के साथ बह के चले जाते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, फिर हम ऊपर से इसको टैंक को पानी दूसरे टैंक के साथ कनेक्ट करते हैं, ऊपर का जो पानी है वो हम नेक्स्ट टैंक में भेजते हैं। यहाँ पर भी जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं, यानी कि जो फिर भी जो छोटी इम्प्योरिटीज़ हैं जो बैठ नहीं पाती टैंक में, ठीक है, जो सेडिमेंटेशन टैंक है इसमें नीचे नहीं बैठ पाती, वो हम इस टैंक में उनको क्या करते हैं, सेडिमेंट करते हैं, नीचे सेटल डाउन करवाते हैं, ठीक है, इसके बाद यहाँ से जो फर्दर है वाटर इस जो फिल्ट्रेशन टैंक है इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ऊपर क्या है, वाटर, नीचे फाइन सैंड, फिर उसके नीचे ग्रेवल, ठीक है, यानी कि छोटे पत्थर, और फिर ये कोर्स ग्रेवल यानी कि और भी दो छोटे नन्हे पत्थर, ठीक है। तो यहाँ ये इसका एक फिल्ट्रेशन टैंक शो करता है, और फिल्ट्रेशन टैंक से फर्दर क्या है कि पानी आगे जाता है, ठीक है, नेक्स्ट कंपार्टमेंट में, और नेक्स्ट कंपार्टमेंट में यहाँ पर क्लोरीनेशन होता है, ठीक है, यानी कि क्लोरीन ऐड की जाती है पानी के अंदर, इससे क्या है जो पानी में सिर्फ बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ फिल्टर होके जो पानी है आपके घर तक जाता है, ठीक है। तो इतनी प्रोसेसिस यानी कि इतनी प्रक्रियाएँ होती हैं रिजर्वायर से आपके घर तक पहुँचने में जो पानी लेता है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है, कि ये क्या नेक्स्ट टॉपिक आपका, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस।
इसमें रीड करते हैं, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ प्योर सब्सटेंस एंड ए मिक्सचर लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एंड ए केमिकल चेंज। कि सबसे पहले क्या है कि हम एक प्योर यानी कि शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण को समझने से पहले हम क्या पढ़ते हैं कि जो फिजिकल और जो केमिकल चेंज है उसके अंदर क्या अंतर है। ठीक है, कि चेंजेस दो टाइप के होते हैं, पहला फिजिकल और केमिकल। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन प्रीवियस चैप्टर वी लर्न अबाउट अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कि हमने कुछ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा था। किसके गुण? पदार्थ के गुण। कौन सी प्रॉपर्टीज थी वो? जैसे कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये सारी उसकी सारी भौतिक गुण थे। ठीक है, क्या थे? भौतिक गुण थे। आगे है, इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट इज ए फिजिकल चेंज। ठीक है, इंटरकन्वर्जन मतलब कि किसी भी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाना ही हम इंटरकन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक कैसा चेंज है कि भौतिक बदलाव है, फिजिकल चेंज है। बिकॉज दीज चेंजेस अकर्स विदाउट ए चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। कि ये जो चेंजेज हैं, ये जो बदलाव है, सिर्फ और सिर्फ उसकी कंपोजिशन में होते हैं, लेकिन उसका जो केमिकल नेचर है उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आता। ठीक है, देखो आगे, ऑल दो आइस वाटर एंड वाटर वेपर आर लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज दे आर केमिकली द सेम। कि देखो, बर्फ, पानी और जो वाष्प हैं वो सारे अलग अलग दिखाई देते हैं, एक जैसे उनका जो क्या है कंपोजिशन वो एक जैसी नहीं है। ठीक है, लेकिन उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी अलग अलग है, लेकिन वो केमिकली सेम है, क्योंकि वो फिर H है तो H2O ही। ठीक है, जिसके अंदर हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, केमिकली तो सेम है ना। हाँ, अब आगे रीड करते हैं, बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल करेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। कि पानी और जो कुकिंग ऑयल है यानी कि खाना बनाने का जो तेल है वो लिक्विड है, लेकिन जो उनकी केमिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण हैं, ठीक है, रासायनिक गुण हैं, वो तो अलग अलग है ना। दे डिफर इन ऑर्डर एंड इनफ्लेमेबिलिटी, यानी कि उनकी जो गंध है और उनकी जो ज्वलनशीलता है, ठीक है, यानी कि जो जलने की उनकी अक्षमता है वो भी अलग अलग है। वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर इज वाटर एक्सटिंग्विश फायर। कि हमें पता है कि जो तेल है वो क्या करता है, हवा के अंदर जलता है, और जबकि जो पानी है वो हवा को क्या करता है, एक्सटिंग्विश यानी कि बुझा देता है, ख़त्म कर देता है। इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। की यही जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी रासायनिक गुण है, ठीक है, तेल का, वो उसको पानी के अलग बनाता है। ठीक है, लेकिन देखने में तो दोनों तरल ही हैं। ठीक है, दोनों तो तरल ही हैं, ऑयल भी और वाटर भी, लेकिन इनकी जो केमिकल यानी कि जो रासायनिक गुण है वह तो अलग अलग है ना। हाँ, आगे देखो, बर्निंग इज ए केमिकल चेंज। की जो ज्वलन है वो कैसा चेंज है, कि रासायनिक बदलाव है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट्स विद अनदर टू गो अंडरगो ए चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। कि इसके अंदर क्या होता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि एक जो पदार्थ है वो दूसरे पदार्थ के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, और क्या बनाता है, केमिकल कंपोजिशन बना लेता है, नई केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंसेस। कि केमिकल चेंज यानी कि जो रासायनिक बदलाव से क्या होता है कि जब दो पदार्थ एक दूसरे से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, वो दोनों मिलके एक नया सब्सटेंस ईजाद करते हैं या फिर बनाते हैं। ठीक है, एक केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। की एक रासायनिक बदलाव को हम क्या बोलते हैं, कि केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। आगे है, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ ए कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेसेस। यानी कि जब कैंडल यानी कि जो मोमबत्ती है वो जलती है, उस समय पर क्या होता है कि दोनों ही काम होते हैं, केमिकल चेंज भी होते हैं और फिजिकल चेंजेस भी होते हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश दिस, क्या आप इनको अलग अलग करके इनकी व्याख्या कर सकते हैं, बता सकते हैं? आगे है, नेक्स्ट पेज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, ठीक है, सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस, उनके अलग अलग क्या प्रकार हैं। ठीक है, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, यानी कि उनकी जो रासायनिक जो कंपोजिशन है, ठीक है, बनावट है, उसके हिसाब से या तो हम उनको एलिमेंट्स बोल सकते हैं या फिर हम उनको कंपाउंड्स बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्योर सब्सटेंसेस को यहाँ पर उसने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, कौन सी कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, एक तो एलिमेंट्स, ठीक है, या तो हम उनको एलिमेंट्स बोल सकते हैं, तत्व बोल सकते हैं, या फिर हम उनको कंपाउंड्स बोल सकते हैं। ठीक है, देखो,
रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661 कि जो रॉबर्ट बॉयल थे वो पहले एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस एलिमेंट वर्ड का यूज किया था, उपयोग किया था, तत्व वर्ड का यूज किया था। कब किया था? 1661 में। आगे है एंटोनी लॉरेंट लवोजियर 1743-94 ए फ्रेंच केमिस्ट वॉज फर्स्ट टू एस्टेब्लिश एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट कि जो फ्रेंच केमिस्ट थे एंटोनी लॉरेंट लवोजियर वो पहले ऐसे थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली जो एलिमेंट की जो डेफिनेशन थी, ठीक है, परिभाषा थी, ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया, बताया, ठीक है। ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। उन्होंने बताया कि जो एलिमेंट एक पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसको हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि और छोटे सब्सटेंसेस में हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, ठीक है, केमिकल अभिक्रिया के द्वारा हम एलिमेंट्स को उसके और छोटे कणों में या फिर और छोटे जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, उनमें तोड़ नहीं सकते। एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं हम उनको फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि प्योर सब्सटेंस को यहाँ पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एलिमेंट्स कंपाउंड्स, और फिर एलिमेंट्स को आगे तीन कैटेगरी में क्या किया, सब डिवाइड किया है, ठीक है, जिसको बोला है पहले मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटल्स यूजली शो सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज की जो मेटल्स हैं, धातु हैं, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, वो कौन से हैं, दे हैव लस्टर यानी कि वो शाइन करते हैं, दे हैव सिल्वरी ग्रे एंड गोल्डन येलो कलर की, उनका जो कलर है वो कैसा होता है कि सिल्वर के जैसा, ठीक है, या फिर सिल्वरी ग्रे या फिर गोल्डन, ठीक है, येलो कलर उनका शो होता है मोस्टली सभी का, ठीक है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। दे आर डक्टाइल यानी कि उनके हम उनसे हम वायर बना सकते हैं। दे आर मेलिएबल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स कि वो मेलिएबल हैं, ठीक है, यानी कि उनसे हम थिन शीट्स जिसको हम चादर बोलते हैं, ठीक है, जो स्थानीय भाषा उसके अंदर हम बोलते हैं कि चादर में हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। दे आर सोनोरस यानी कि जब हम उनको हिट करें तो उनमें से आवाज़ निकलती है टिन की आवाज़, ठीक है। आगे है एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, जो उदाहरण है मेटल्स के कौन से हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटासियम, ठीक है। मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वन मार्क्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ कर सकता है एग्जामिनर कभी कभी कि ऐसी कौन सी मेटल है, कौन सी धातु है जो लिक्विड होती है यानी कि तरल होती है एक साधारण तापमान पर, ठीक है, जो साधारण कमरे का तापमान है उसके ऊपर कौन सी मेटल तरल होती है, तो उसका आंसर होगा मरकरी, ठीक है। आगे है नॉन मेटल्स यूजली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, अभी जो बताए हैं मैंने मेटल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, अभी नॉन मेटल्स, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। दे डिस्प्ले ए वेराइटी ऑफ कलर्स कि उनके जो कलर्स हैं उनके अंदर काफ़ी वेरिएशंस हैं, ठीक है। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, वो हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की इतनी अच्छी कंडक्टर्स नहीं हैं, ठीक है। दे आर नॉट लस्टरस, सोनरस और मेलिएबल कि ना तो वो लस्टरस हैं, ना ही वो सोनरस हैं और ना ही मेलिएबल हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं नॉन मेटल्स के, वो कौन से शो किए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, ठीक है, कार्बन, ठीक है, ब्रोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, ठीक है। वन मार्क्स में क्वेश्चन पुट हो सकता है ये वन मार्क्स में कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं, कि ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व जो ना तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज पूरे तरीके से शो करें और ना ही नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से शो करें, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उन दोनों को ये शो करते हैं तो हम उनको मेटलॉइड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट आपकी जो डेफिनेशन है वो कंपाउंड्स की है कि व्हाट इज कंपाउंड, कंपाउंड होता क्या है, ठीक है, हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं लेकिन कंपाउंड्स क्या है। एक कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कि जो कंपाउंड है वो एक ऐसा पदार्थ है कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स हैं उनसे मिलके बना होता है। केमिकली कंबाइंड यानी कि केमिकली रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं वो एलिमेंट्स एक दूसरे से, ठीक है, विद वन अनदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन यानी कि एक निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलकर, ठीक है, क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप वाटर का एग्जांपल ले लीजिए, वाटर एक कंपाउंड है, ठीक है,
तो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, यानी कि एक निश्चित प्रोपोर्शन है, एक निश्चित अनुपात है कि हाइड्रोजन के दो एटम्स होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होंगे तभी क्या होगा, और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होगा तभी क्या बनेगा, वाटर बनेगा, अन्यथा अगर हम H3O लिखते हैं तो वाटर नहीं बनेगा, ठीक है। एक यानी कि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, एक निश्चित अनुपात होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो उसी निश्चित अनुपात के हिसाब से हम कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है 2.10, ये आप खुद परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वो, ठीक है, तो इसके लिए जो नेक्स्ट टेबल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है कि डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, कि जो मिश्रण है और कंपाउंड्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। मिक्सचर्स को मिश्रण बोलते हैं, ठीक है, कि देखो मिक्सचर्स में भी क्या होता है, दो या दो से अधिक क्या होते हैं तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और कंपाउंड्स में मैंने आपको बताया कि दो या दो से अधिक तत्व मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन एक निश्चित अनुपात में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो दोनों में ही जो मिक्सचर है उसमें भी ज़्यादा एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स में भी एक से ज़्यादा होते हैं, तो इनके अंदर जो बेसिक जो डिफरेंस है वो है क्या, देखो फर्स्ट एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, कि जो एलिमेंट्स हैं और या फिर कंपाउंड्स हैं एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, ठीक है, सिर्फ वो सिर्फ मिश्रण बनाते हैं, उनसे रिएक्शन यानी कि उनकी रिएक्शन से कोई नया कंपाउंड इजाद नहीं होता, नहीं बनता, ठीक है, पहला ये। लेकिन एलिमेंट्स कंपाउंड्स में क्या होता है कि रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड्स, कि इसमें एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। आगे है ए मिक्सचर हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन, कि जो उसकी कंपोजिशन है वो वेरिएबल होती है, ठीक है, यानी कि कोई भी एलिमेंट और कोई भी कंपाउंड कितने भी मात्रा में हम एक दूसरे के साथ घोल सकते हैं उसको हम मिक्सचर बोलेंगे। लेकिन कंपाउंड के अंदर क्या होगा, जो कंपोजिशन होगी, ठीक है, दोनों ही सब्सटेंसेस की, जैसे मैंने वाटर एग्जांपल दिया था आपको H2O, ठीक है, वो फिक्स होगी, ठीक है, वो फिक्स होगी। आगे है मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, कि जो मिक्सचर है, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, उसके जो गुण होंगे वो किसके गुण होंगे, जो दो या दो से अधिक जो एलिमेंट्स हमने घोल कर वो उस मिक्सर का निर्माण किया है, ठीक है, उन्हीं तत्वों के प्रॉपर्टीज, उन्हीं तत्वों के गुणों को ये शो करेगा, बताएगा। आगे है द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कि जो नया सब्सटेंस बनेगा, ठीक है, क्योंकि वो केमिकली कंबाइन करके बनेगा, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगे, गुण होंगे, वो टोटली डिफरेंट होंगे, ठीक है, उसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनसे काफ़ी अलग इनकी प्रॉपर्टीज होंगे, गुण होंगे। आगे है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड, कि जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी कि जो इसके तत्व जिनसे मिलकर एक मिश्रण बना है उसको हम इजीली यानी कि आसानी से फिजिकल मेथड्स यानी कि भौतिक तरीकों से अलग कर सकते हैं। आगे है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, कि इसके अंदर क्या है कि कंपाउंड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, जिनसे कंपाउंड मिलके बना है उसको हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी प्रक्रियाओं के द्वारा अलग कर सकते हैं, या तो हम रासायनिक प्रक्रिया या फिर जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है, उसके द्वारा हम इसको यानी कि विद्युत रसायन प्रक्रियाओं के द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म की थी ऊपर मैंने बोला था कि अपने आप परफॉर्म करके देखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसमें कुछ एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। द गैस ऑब्टेंड बाय ग्रुप वन इज हाइड्रोजन, ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस में प्राप्त होती है वो कैसी है, कलरलेस है, ऑडरलेस है, ठीक है, और कम्बशियबल है, ठीक है। इट इज़ नॉट एडवाइज टू डू द कम्बशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास, कि क्लास में आप हाइड्रोजन के साथ कोई भी कम्बशन यानी कि ज्वलन वाला टेस्ट नहीं करके देखा, ये आपको हिदायत दी जाती है, ठीक है, क्योंकि ये कैसी है, कम्बशियबल, हाईली कम्बशियबल होती है, ठीक है, ऑडरलेस यानी कि इसका टेस्ट नहीं होता और ना इसका कोई कलर होता है, ठीक है, ये वन मार्क्स में से क्वेश्चन पुट कर सकता है। आगे है हाइड्रोजन सल्फाइड जो सेकंड ग्रुप में प्राप्त हुई हमें मिली है, ठीक है, वो कैसी गैस होती है, उससे गंध कैसी आती है, ठीक है, ये वन मार्क्स में क्वेश्चन पुट कर लेता है एग्जामिनर। तो ये कलरलेस गैस है और इससे जो सड़े हुए जो बिल्कुल सड़ा हुआ अंडा है, ठीक है, उसकी गंध आती है, ये वन मार्क्स में क्वेश्चन पुट कर लेता है। और नेक्स्ट जो आपका है नेक्स्ट है आपकी
एक फ्लो डायग्राम बना रखा है, ठीक है, जो सबसे पहले पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ जो जिसकी तीन अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यहाँ पर शो कर रखा है, ठीक है। बेसिक जो इस चैप्टर का ओवरऑल एक ब्रीफ व्यू दिया है, ठीक है। मैटर क्या है? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, या तो प्योर सब्सटेंस होगा या फिर मिक्सचर होगा, ठीक है। प्योर सब्सटेंस किस किस तरह के हो सकते हैं, मैंने अभी बताया, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है, ठीक है। इसके एग्जांपल नीचे शो करके हैं, डेफिनेशंस मैंने आपको इनको करा दी है। आगे है मिक्सचर्स, मिक्सचर्स कैसे हो सकते हैं, होमोजीनियस, ठीक है, यानी कि जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, जो थ्रू आउट द सॉल्यूशन के अंदर कैसे हों, ठीक है, यूनिफॉर्म हो, ठीक है, यानी कि एक समान फैले हों, ठीक है, यानी कि उनके जो मॉलिक्यूल, सॉरी, जो उनके पार्टिकल्स हैं वो एक समान सॉल्यूशन में फैले हुए हों, ठीक है। ये होमोजीनियस है और ये इसमें असमान कंपोजिशन होती है, ठीक है, यानी कि जो उनके सॉल्यूशन के अंदर जो उसके पार्टिकल्स हैं वो समान रहते हैं, ठीक है, तो वो मिक्सचर्स हेटरोजीनियस कहलाते हैं। और यहाँ पर उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा ब्रीफ व्यू दे दिया आपको चैप्टर का। तो आगे ये हमारा लास्ट टॉपिक था, आगे इसके क्वेश्चन आंसर बच गए, वो आपको व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे। और जो हमसे नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप हमसे, हमारा डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, उसके थ्रू कॉन्टैक्ट करके मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू।